हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्योर वेज रेसिपीज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लाल मूली का अचार, रेडिश पिकल। फ्रेंड्स, ये लाल मूली जो होती है, इसका जो ऊपर का लेयर होती छिलका होता है वो लाल रंग का होता है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल वाइट कलर में होती है। और इस मूली का सेम जैसी वाइट मूली होती है वैसी ही होती है, बस ये हल्की सी मीठी ज़्यादा होती है, ये फ़र्क होता है। और इसके अचार बनाने के लिए सेम इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि हम वाइट मूली में इंग्रेडिएंट का यूज़ करते हैं, सेम वही इंग्रेडिएंट हम लाल मूली के अचार में भी यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी अचार बनता है इस मूली का। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, मैंने कैसे तैयार किया है। सबसे पहले फ्रेंड्स, इस मूली को हम ऊपर से पील करेंगे। आप देख रहे हैं कि इसका छिलका पील करने के बाद अंदर से ये बिल्कुल वाइट कलर में ही दिख रही है, तो दिखती सेम है, बस इसका ऊपर का छिलका होता है जो कि रेड कलर में होता है, बिल्कुल जैसे गाजर का कलर होता है सेम वैसा ही छिलका होता है इसका भी। तो हम इस तरह से सारी मूली के छिलके छील लेंगे। यहाँ मैंने 1 किलो मूली का अचार बनाने जा रही हूँ मैं। और इस तरह से सारी मूली के छिलके हमने पील कर दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से धो करके अब हम इसके जो छिलके उनको काटेंगे बीच में से। आप देखिए फ्रेंड्स, इसके बीच में कितना क्यूट सा डॉट है रेड कलर का, बहुत ही क्यूट लग रहा है ये। हम अपनी मनपसंद शेप में काट सकते हैं मूली को। यहाँ मैंने सर्कल शेप में मूली को काटा है। और अब इसे मैंने 3-4 घंटे की धूप लगा दी है ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर है वो सारा का सारा उड़ जाए, सूख जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारा मॉइस्चर सूख चुका है। अब मैं इसका अचार बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन रखूँगी और ये गैस ऑन कर लिया है। और अब इसमें मैं तेल डाल दूँगी, और तेल ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसमें हम नींबू का रस का यूज़ भी करेंगे, तो इसलिए मैंने तेल ज़्यादा नहीं डाला है। और इस तेल को हमें गर्म करना है, और उतना गर्म करना है कि इसमें से एक धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल गर्म होने के बाद एक धुआं निकलता है, तो उतना हमें गर्म करना है इसे। तो अब ये गर्म हो चुका है, अब मैं इसे रख देती हूँ थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर होने के लिए, क्योंकि बिल्कुल गर्म तेल में भी हमें मसाले नहीं डालने हैं, बस हमें पहले तेल को गर्म कर लेना है। जब धुआं निकलना शुरू हो जाए तो उसे फिर हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देना है। और जब तक हमारा तेल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ रहा है तब तक हम अपने यहाँ पर मसाले तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन रख दिया है, और इसमें मैंने 2 टीस्पून राई ले ली है, 1/2 टीस्पून फेनुग्रीक सीड्स मेथी दाना, 10-15 काली मिर्च ब्लैक पेपर के दाने हैं ये, और ये मीठी सौंफ जो खाने वाली होती है 1/2 टीस्पून है। और अब इन सारे मसालों को फ्रेंड्स मुझे अच्छी तरह से रोस्ट करना है, और तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इनमें से अच्छी सी खुशबू आने ना लगे। बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं ये। तो बस ये रोस्ट हो चुके हैं, और अब मैं इन्हें ग्राइंड करूँगी, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ग्राइंड करूँगी। अब मेरा जो ये ऑयल रखा था जो मैंने गर्म किया था वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है, बिल्कुल ठंडा भी नहीं है, हल्का सा गुनगुना हो गया है, गुनगुने टेम्परेचर पर आ चुका है। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने ये कलौंजी और हींग डाल दिया है, ये ऑप्शनल है, कलौंजी आप नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं। और ये जो मसाले मैंने तैयार किए हैं अब मैं इनको डाल दूँगी।
और ये टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर है 2 टीस्पून, और ये 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और ये 3 टीस्पून नमक, 1 किलो मूली है ये, तो 1 किलो मूली में इतनी क्वांटिटी जितनी मैं बता रही हूँ उसी हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, और अब इसमें मैं जो मूली हमने सुखाए रखी थी वो मूली मैं इसमें डाल दूँगी, जो हमने काटी और बनाई अचार के लिए, वो मूली इसमें ऐड कर दी है। अब इस मूली को हमें अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करना है, और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये नींबू का 3 नींबू हैं, उनका रस ले लिया है वो मैंने ऐड कर दिया है, और हम अब सारे मसालों को और नींबू के रस को मूली में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से ये हमारा मूली का अचार तैयार हो गया है रस भरा। तो फ्रेंड्स, देखा कितना आसान है इस अचार को बनाना, और आप इसे रोटी, परांठा, दाल, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसे हम स्टोर करने के लिए एक साफ़ सूखा कंटेनर ले लेंगे, और उसमें हम इसे बहुत ही इजी वे में स्टोर कर सकते हैं। और अचार को लॉन्ग टाइम के लिए चलाने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो वो सावधानियां ये हैं कि फ्रेंड्स, कभी भी हमें गीले चम्मच का यूज़ नहीं करना है। जब भी हमें अचार निकालना है तो हमेशा सूखा चम्मच होना चाहिए। और दूसरा ये है कि अचार को हमें कभी भी मॉइस्चर वाले स्थान पर नहीं रखना है, बिल्कुल सूखे स्थान पर रखना है, और इसे एयर टाइट, बिल्कुल एयर टाइट जार में रखना है इसे, खुले या जहाँ पर हवा आती हो, हवा हो आपके जार में, तो उस तरह के कंटेनर में इसको ना रखें। तो और कभी भी अचार को हाथ से ना निकालें, हमेशा सूखे साफ स्पून का ही यूज़ करें। तो बस इन छोटी छोटी सावधानियों को अगर हम रखते हैं तो हमारा अचार फ्रेंड्स 1 साल के लिए भी चल जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह से अपने अचार को लॉन्ग टाइम के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, बस थोड़ी सावधानियां रखने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी अगली ताकि जो भी वीडियोज़ हैं उन्हें आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।